नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह। यहां आपको मिलती है अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। इस बार अप्रैल से जून के बीच देश में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। गर्मी का मध्य और पश्चिमी हिस्सों पर सबसे बुरा असर पड़ने का अनुमान है। IMD ने अप्रैल से जून के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने की संभावना है। देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य रूप से 4 से 8 दिनों की तुलना में 10 से 20 दिन तक लू चलने का अनुमान है। IMD के मुताबिक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में गर्मी का सबसे बुरा असर पड़ सकता है। अगले सप्ताह से देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। शेयर बाजार के निवेशकों की शिकायतें तेजी से निपटेंगी। बाजार नियामक सेबी ने शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्कोर्स का नया वर्जन 2.0 पेश किया है। इससे शिकायतों की बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी। स्कोर्स एक ऑनलाइन सिस्टम है। सेबी के मुताबिक निवेशक 1 अप्रैल 2024 से स्कोर्स के नए संस्करण पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। निवेशक पुराने स्कोर्स में कोई नई शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले से दर्ज शिकायतों का स्टेटस देख सकेंगे। सोना अब एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 1070 रुपये बढ़कर 68420 रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत भी 1120 रुपये की तेजी के साथ 78570 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी को रफ्तार मिल रही है। इसके अलावा चीन की मजबूत मांग भी सोने की कीमतों को हवा दे रही है। मार्च महीने में GST कलेक्शन सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर के 1,78,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। वित्त मंत्रालय का कहना है कि घरेलू लेन देन बढ़ने से मार्च में GST कलेक्शन बढ़ा है। यह अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक GST संग्रह है। अब तक का सर्वाधिक GST संग्रह अप्रैल 2023 में 1,87,000 करोड़ रुपए था। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में कुल GST संग्रह 20,18,000 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7% अधिक है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन जल्द इतिहास बन सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश को 36 करोड़ से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों से पूरी तरह मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। गडकरी ने यह भी कहा कि इस संकल्प को पूरा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गडकरी ने हाइब्रिड वाहनों पर GST कम करने की वकालत की है। उन्होंने कहा, भारत ईंधन आयात पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। पेट्रोल डीजल वाहन बंद होने से बचने वाले इस पैसे का इस्तेमाल किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, गांवों को समृद्ध करने और युवाओं को रोजगार देने में किया जा सकता है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन शेयर बाजारों में शुरुआत मजबूत रही। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। एशिया के अन्य बाजारों में मजबूत रुख और विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने से तेजी रही। BSE सेंसेक्स 363 अंकों की बढ़त के साथ 74,014 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 135 अंकों की बढ़त के साथ 22,462 अंक पर बंद हुआ। रियल्टी और स्टील शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहा। नए वित्त वर्ष के पहले दिन अच्छी शुरुआत से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि निकट भविष्य में तेजी बनी रह सकती है। अदानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। अदानी एनर्जी का शेयर 8% से अधिक चढ़ा। BSE पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का शेयर 8.40%, NDTV 6%, अदानी विल्मर 5.92%, अदानी पावर 4.99%, अदानी टोटल गैस 4.81%, अदानी ग्रीन करीब 3% और अदानी पोर्ट्स करीब 2.5% बढ़कर के बंद हुए। वहीं ACC का शेयर भी 2.25% चढ़ा। अदानी इंटरप्राइज के शेयर में करीब 2% और अंबुजा सीमेंट के शेयर में करीब 1.5% की तेजी रही। समूह की सभी कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 16,30,648 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल की शुरुआत कीमतों में कटौती के साथ हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर, 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में कटौती की है। ATF की कीमत में 0.5% की कटौती की गई है। होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 31 रुपये की कटौती की गई है। 5 किलोग्राम FTL LPG सिलेंडर की कीमत 7.5 रुपये कम की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तिगत टैक्स पेयर अपना ITR फाइल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों पर दिया जिनमें कि 1 अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव होने का दावा किया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी जिसमें कर की दरें काफी कम है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, उड़ान में अधिक देरी होने पर अब यात्री हवाई अड्डे के डिपार्चर गेट से बाहर निकल सकेंगे। BCS ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और उड़ानों में देरी के मामलों को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार यात्री विमान में सवार होने के बाद भी लंबे समय तक फंस जाते हैं। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। ये दिशा निर्देश यात्रियों का कम उत्पीड़न सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक नहीं बैठा रहना पड़ेगा। नए वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 3 अप्रैल से शुरू होगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास 5 अप्रैल को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेंगे। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी नीतिगत दर को यथावत रखा जा सकता है। RBI ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ा करके 6.5% की थी। उसके बाद से लगातार 6 मौद्रिक नीति समीक्षा में इसे यथावत रखा गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई अभी भी 5% के दायरे में है और खाद्य महंगाई के मोर्चे पर भविष्य में झटका लगने की आशंका है। इसे देखते हुए RBI इस बार भी नीतिगत दर को स्थिर बनाए रख सकता है। साइबर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और अवैध तरीके से लोन देने वाले ऐप पर जल्द रोक लगने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल लोन पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के गठन पर विचार कर रहा है। देश में अवैध तरीके से लोन देने वाले ऐप तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल लोन देने वाले ऐप का सत्यापन करेगी और सत्यापित ऐप का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाएगी। जिन ऐप पर डिजिटल के सत्यापन का निशान नहीं होगा उन्हें अनाधिकृत माना जाएगा। इस सत्यापन प्रक्रिया से डिजिटल लोन सेक्टर में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सकेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप My9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।